जा मेरे होठों पे ठहर जा, मैं ख्वाब ख्वाब सा तेरी आंखों में जागू रे, तू इश्क इश्क सा मेरे रूह में आके बस जा, जिस ओर तेरी शहनाई उस ओर में भाग। ओ मॉम देखो ना, हम लोग शॉपिंग करते करते रात हो गई है। अभी तो मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गई हूँ शॉपिंग करते करते। ओए तू क्यों टायर्ड हो गया? तू तो कुछ भी नहीं कर रहा था, तू सिर्फ बिल करा और यहाँ आ गया, तू टायर्ड हो गया। हम लोग सारे ड्रेस चूज़ करे, सारे रिंग्स चूज़ करे, तू टायर्ड हो गया। हमको टायर्ड होना चाहिए था, तू टायर्ड हो गया। वही बात ना हो गई, तुम क्यों टायर्ड हो गए? हम लोगों ने सारे ड्रेस चूज़ किया, हम लोगों ने सभी चीज़ें हम लोगों ने चूज़ करके खरीदा इतने मेहनत से, और तुम बोल रहे हो तुम टायर्ड हो गए। तुमने तो एक ही ड्रेस लाए वो भी फटाक से चूज़ करके, और अब तुम बोल रहे हो कि तुम टायर्ड हो गए। अच्छा ये क्या बात हुई कि तुम और सिर्फ मम्मा ने चूज़ किया और हम दोनों क्या करे थे? सुखा भाई और मैंने भी बहुत सारी हेल्प की, तुम लोग तो नहीं तो बैठ ही जाते। तुम लोग इतने सारे शॉपिंग के बिना कर ही नहीं पाते, हम लोगों ने तुम्हारी मदद की ना, इस वजह से जल्दी ख़त्म हो गई तुम्हारी और जीवन भाभी की और मम्मी की शॉपिंग। नहीं तो तुम तो आज रात क्या कल शादी तक भी तुम्हारा शॉपिंग नहीं ख़त्म होती। मेरे और सुखा भाई की शुक्र करो कि हम दोनों ने तुम्हें हेल्प कर दी। वही बात ना चंको, हम लोगों ने भी तो कितनी मेहनत की और ये लोग खुद अपने से ही क्रेडिट लेते जा रहे हैं। क्या तुम लोग आपस में लड़ रही हो? तुम सभी ने आज मेहनत की और पता ही क्या, तुम लोग शॉपिंग कर रहे थे और मैंने सभी मैरिज का हॉल बुकिंग कर ली, उसका डेकोरेशन सभी चीज़, गेस्ट के लिए गेस्ट को बुलाना सभी काम मैंने आज कर लिया है। तो कल शादी के लिए फूल प्रिपरेशन हो रहा है, तो तुम लोग जाओ भी रेस्ट करो। यहाँ पर आर्गुमेंट करने से अच्छा कि तुम लोग जाओ रेस्ट करो, नहीं तो कल सुबह शादी में अच्छे नहीं दिखोगे। हाँ अरिन तुम सही बोल रहे हो, अगर शादी में अगर मैं अच्छे नहीं दिखूंगा तो मेरी वर्ल्ड वाइड ब्यूटी फेस का क्या होगा? मैं तो मैं फेस बिगड़ जाएगा, मैं रात में नहीं सोऊंगा। तो सही बात है, मैं जाके सोती हूँ, मेरे को सोने जरूरत है, नहीं तो मैं कल सुबह सुंदर नहीं दिखूंगा। तुम लोग भी जाओ सुबह सो जाओ, नहीं तो तुम लोग की फेस भी कल अच्छी नहीं दिखेगी। जाओ सो जाओ, यहाँ पर आर को मत करो, चलो चलो सोने जाओ। फिर सभी अपने रूम में चले जाते हैं और जंको पड़ता है एक रूम में रह जाते हैं और युंगी और जिमिन भी एक रूम में चले जाते हैं। मैं काम करती हूँ, मैं जाके फ्रेश हो जाती हूँ, तुम बाहर वेट करो, मैं फ्रेश हो जाती हूँ, उसके बाद तुम जाके फ्रेश होना। ओके ठीक है, वैसे तुम चाहो तो हम दोनों एक साथ फ्रेश हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये रूम भी साउंड प्रूफ है, क्या बोलते हो हम दोनों को एक साथ फ्रेश होना जाना चाहिए या? ओके तुम चुप ही हो जाओ, अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर चुप होके बैठ जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारे सर फोड़ दूंगा। अभी मैं जाके फिर फ्रेश होके आती हूँ, फिर तुम जाना। अभी कुछ दिन हो गए तुम ज़्यादा ही नॉटी बन रही हो, तो इससे अच्छा है कि तुम बाहर वेट करो और मैं फ्रेश होके आती हूँ। वैसे क्या बोलते हो कि मैं कैसे लग रहा हूँ? अच्छी तो लग रहा हूँ ना, मेरे को लगता है मैं अच्छी लग रहा हूँ, या कोई और ट्राई करना चाहिए मेरे को? आई गेस मे बी तुम्हें ये अच्छी तो लग रही है, पर और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी अगर मैं इसको निकाल दूँ तो, और भी ज़्यादा तुम हॉट लगोगे। क्या बोलते हो, मेरे को निकाल देना चाहिए ये? वैसे मैं चाहता तो हूँ कि तुम इसको निकाल दो, पर क्या करें, कल शादी है ना, हमको सोने की ज़रूरत है, हम रात भर जाग नहीं सकते ना, हम सोते हैं। बेबी मेरे को नहीं लगता कि तुम्हारे कोई सोने की इरादा है, अभी होता तो तुम ये कभी नहीं पहन के आते। आई थिंक तुमको आज थोड़ी एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है, कल तुम्हारे साथ ही है ना, तुम और भी फिट लगोगी। क्या बोलते हो थोड़ी एक्सरसाइज कर ले? वैसे तुम मेरे मन के पास इतने अच्छे से पढ़ के लेते हो, मेरे को तो एक्सरसाइज करनी है पर जिम में नहीं, बेड में करनी है, वो भी तुम्हारे साथ। क्या बोलते हो?
तो फिर देर किस बात की, चलो चलते हैं। कुकी कुकी प्लीज, कुकी रुक जा, कुकी प्लीज, कुकी कुकी इट्स फील सो गुड, कुकी प्लीज। पर बेबी तुम ही तो चाहते थे कि मैं ना रुकूं, तो प्लीज अभी रुको ना मत, बहुत अच्छा लग रहा है, प्लीज मेरे को करने दो। कोई ना बेबी, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अजस्टोनी में थोड़ी टाइम तो लगेगा, अजस्टोनी में थोड़ी टाइम लगेगा, थोड़ी फील कर लो। और उधर मैं वैसे मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लाई थी, तुम अगर वो सरप्राइज को लेना चाहते हो तो तुम्हें बाथरूम तक आना पड़ेगा मेरे साथ। अच्छा अभी तो आ गई तुम्हारे साथ बाथरूम तक, वो सरप्राइज मेरे को तुम्हें दिखाना पड़ेगी। ये देखो तुम्हारा सरप्राइज कैसा लगा। फ्रीज तो बहुत ज़्यादा ही सेक्सी है, पर आई थिंक तुम्हारे ऊपर और ही ज़्यादा सेक्सी लगती। तो फिर मना कौन कर रहा है, पहना तो मेरे को, मेरे कपड़े उतार के तुम पहना सकते हो, ये तो परमिशन है तुमको, ये तुम्हें बताए। अच्छा ऐसी बात है क्या, तो फिर मैं तुम्हें पहना कितने के क्या जरूर, इसको साइड में रख लेती हूँ, मैं तुम्हारे कपड़े उतार देती हूँ और कुछ और सी चीज़ें करती हूँ, क्या बोलते हो तुम? हाँ कुछ और सी चीज़ें करती, मेरे को कुछ न्यू फ्लेवर भी ट्राई करने हैं, क्या बोलते हो कुछ न्यू फ्लेवर की लॉलीपॉप मेरे को ट्राई करोगे तुम आज? अच्छा तुम तो बहुत ही ज़्यादा नॉटी बन रहे हो, मेरे को लगता था तुम बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो, पर तुम तो, तुम बातें बंद कर दो, मैं अपने काम करना शुरू करती हूँ, तुम सिर्फ बक बक नहीं करोगे। सो टेस्टी, सो टेस्टी। ये क्या बेबी, तुम तो मेरे को सेट होने के लिए भी थोड़ी देर टाइम नहीं दिया। ओह माय गॉड बेबी, इट्स लुकिंग सो हॉट, आई कैन कंट्रोल माय सेल्फ ना। यू आर सो टेस्टी, यू आर सो फ्रिकिंग टेस्टी। अच्छा तुमने तो मेरे बिना परमिशन के ही मेरा टेस्ट कर ली, मैं भी तुम्हें थोड़ी टेस्टिंग कर लेता हूँ। आई थिंक बेबी तुम्हें मेरे को फिंगर जॉब देना चाहिए, तुम्हें थोड़ी I want yours, not that. I want you. Please fill me with your, not this finger. Please. सॉरी गाइस, मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरा तबीयत ख़राब है, आज की वॉइस भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी बहुत दिन से। तो बहुत दिन से आप लोग वीडियो की बोल रहे थे, पर मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था तो मैं नहीं बना पा रही थी, पर आज मैंने बनाया है। पर वॉइस को थोड़ी इग्नोर करना, आई होप ये आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और प्लीज़ लास्ट में सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लास्ट में प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना।